हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर पीएसटी न्यूज़ पर। आज की वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 से एक महीने बाद लॉन्च हो रहा रूसी मून मिशन, लेकिन पहले होगी लैंडिंग। 47 साल बाद पहली बार रूस चंद्रमा पर अपना मून मिशन भेज रहा है, नाम है लूना 25। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के करीब एक महीने लॉन्च हो रहा है। चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव के पास उतरना है, लेकिन रूस का लूना 25 की यात्रा चलती हुई होगी। वहीं 11 अगस्त की सुबह करीब 4:45 बजे लॉन्च होगा। 21 या 22 अगस्त को वह चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह क्या है? रूस का रॉकेट सोयूज 2.1B रॉकेट की ऊंचाई 40.3 मीटर है, जबकि GSLV MK3 की ऊंचाई 39.3 मीटर है। सोयूजा का व्यास 2.5 मीटर है, GSLV का व्यास 2.8 मीटर है। सोयूजा का वजन 3.12 लाख किलोग्राम है, GSLV का वजन 4.14 लाख किलोग्राम है। लेकिन हैरानी इस बात की कि सोयूजा रॉकेट 401.65 करोड़ रुपए का, जबकि GSLV रॉकेट 390.23 करोड़ रुपए का। यानी रूस का रॉकेट काफ़ी महंगा। लूना 25 को लूना ग्लोबल मिशन भी कहते हैं। लूना 25 5 दिन की यात्रा करके चंद्रमा के पास पहुंचेगा, फिर 5 से 7 दिन बाद चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद दक्षिण ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थानों में से किसी एक पर लैंड करेगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, हमारी लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। रूस ने कहा कि भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी, ना हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए। इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, यह अब पूरा होने वाला है। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।